हेलो दोस्तों, तो आज हम निकल रहे हैं राइड पर। तो राइड का भी कोई प्लान नहीं, कहाँ पे जाना है। एक जगह पे रुक रहे हैं, तो वहाँ पे रुक के प्लान होगा, फिर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कहाँ पे जाना है। कसौली जाना है, शिमला जाना है, जाना हिमाचल में ही है। तो भाई लोग बठिंडा से निकले हुए हो, मुझे एक घंटा भारत बंद करा दिया आज किसानों ने। दो बाइकर हमारे आगे जा रहे हैं हमसे, क्योंकि मैं एक घंटा लेट चला हूँ। मैं 2:20 पे निकला था बठिंडा से, अंकित और अजय 6:50 मेटेर और 3:50 मेटेर पर हैं। वो यहाँ पे भी बंद किया हुआ है इन्होंने रास्ता, लेकिन बाइक तो मेरा निकल जाएगा। बाइक तो बाइक निकाल लेते हैं। आगे ना बंद हो, बस पुलिस वाले ने रोका तो है नहीं। सारियां गाड़ियां भाई यहाँ पे रुकी हुई है, और हम भी रुकी जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। पूरा रोका हुआ है इन्होंने तो। नहीं जाने दें। बाबा जी कितने जाना है? चंडीगढ़ नहीं जाना सी गई। यहाँ पे फिर आगे बंद है दोस्तों। तो एक्टिवा वाले लेके जाएंगे अब हमें, देखो कहाँ से निकला जाएगा। चलो ये इनको शॉर्टकट पता है। लोकल का ऐसा फायदा हो जाता है, थोड़ा रास्ता ही होगा ये। फिर किलोमीटर के बाद ही आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। सही है, हाईवे मिल चुका है मैं अपना दोबारा से। थैंक यू भाई। थोड़ा हम भी चेक कर लें अपने बाइक को, रास्ते आए तो भगाई लेते हैं थोड़ा थोड़ा। निकल जी। चल वधिया भाई। टप जी चल, ये भी काम बड़ी हो गया भाई। और फिर पूरा नाके ला रखे ना, और
हाँ चलो चलिए ट्रैफिक खुल गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कसौली के रास्ते में हम जहाँ पे स्टे किया था हमने, ये आपको होटल पाइन व्यू पहले भी मेरी वीडियो में है तो आपको दिखाया हुआ है, तो इसका आपको एक टूर दे देता हूँ। जिसने भी चंडीगढ़ से शिमला जाना तो अगर लेट होता है रात को यहाँ पे रुक सकता है। इसका रूम का प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रिसेप्शन है, इनका नंबर ये है, और पार्किंग भी आपको दिखा देता हूँ। होटल के बाहर भी आप यहाँ पर गाड़ी रोक सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो दिखाता हूँ कहाँ पे है। और रेस्टोरेंट पहले चलते हैं, फिर बाइक की पार्किंग मैं लेके जाता हूँ आपको। रात मेरा ब्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था, किसानों ने धरने लगाए थे कि लेट निकले हैं। बाकी जिसने देखना मेरा चंडीगढ़ कसौली वाला तो है ही है, तो कसौली से शिमले का मैं आपको दिखाई दूंगा। ये आ गया इनका रेस्टोरेंट जो नया बना हुआ है। इनका मुझे लगता है बफे भी होता है जब सीजन टाइम होता है। व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ पे, आप रुकना चाहते हो कभी चंडीगढ़ हो तो पहाड़ों में रुकना एक दिन के लिए तो यहाँ पे आ सकते हो। ये चंडीगढ़ शिमला रोड आ चुकी है, जूम भी कर देते हैं। ये आ गई पार्किंग, हमारे बाइक वहां पे रुके हुए हैं। हिमालयन है, मेटोर है, 650 है। दोस्तों आ चुके हैं हम अपने रूम में, ये ऐसा रूम है। तो इसका प्राइस भी फिर मैं आपको बता ही देता हूँ, सिर्फ ही सिर्फ आपको 1500 में मिल जाएगा। अगर आप दो जाने हैं तो 1200 में मिल जाएगा, अगर तीन हो तो 1500। तो हम तीन थे, हमारा हेलमेट पड़ा इधर, गोपर चार्जर है। और बालकोनी की तरफ जाते हैं तो वॉशरूम ठीक है, नॉर्मल जितना चाहिए हमें प्राइस के हिसाब से, गीजर लगा हुआ है। और अब चलते हैं हम बालकोनी की तरफ। यहाँ पे तो फिर मस्त है भाई, शाम को अपनी बियर बूर यहाँ पे लगानी है। तीनों बाइक रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए दोस्तों, तो अब हम निकलते हैं। ये हमारा मेटियोर आ चुका है 350, ये अंकित बाइक का। और जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा आ चुका है मेटियोर 650, अजय बाइक का। और ये हमारा हिमालयन 450 निकल चुका है शिमला के लिए दोस्तों। तो कसौली वाले रास्ते से निकल चुके हैं दोस्तों। कसौली रोड जैसी आप पकड़ोगे, पहला होटल ये आ गया, दूसरा हमारा था, ये काफी महंगा 4-5 हजार रुपया। और ये कट आ गया दोस्तों, सिर्फ 100 मीटर पे ही है, आप देख सकते हो ये कट आ चुका है। ये चंडीगढ़ शिमला हाईवे, ये चौक आ गया और लेफ्ट साइड को आपने जाना है। टोल आएगा, टोल से बस थोड़ा आगे जाके है। सोलन यहाँ से 14 किलोमीटर रह चुका है, 9:30 हो चुके हैं। देखते हैं शिमला कितनी देर में पहुँचते हैं कसौली से। चंडीगढ़ से कसौली का ब्लॉग मेरा पहले बना हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं रास्ते का। जिसने देखना है मेरी वो वीडियो देख सकता है। ब्लॉग को दोस्तों ये मेरा लेफ्ट साइड रास्ता है। ब्लॉग भी घूमने वाली अच्छी जगह है, काफ़ी कॉटेज मिलते हैं वहाँ पे भी, कभी ब्लॉग का भी ब्लॉग बनाएंगे।
फिफ्थ गियर पे भी अच्छा चल रहा बाइक, कोई नॉकिंग नहीं कर रहा, बस थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आप देख ही सकते हो ये स्टार गेज करके है, व्यू देख लो आप कितना अच्छा है, यहाँ पे म्यूजिक अच्छा चल रहा है। तो इतनी सी प्रॉपर्टी है पर आप व्यू देखो यहाँ से कितना मस्त है। तो अभी हेलमेट उतारते हैं, अपना जैकेट वगैरह उतारते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है दोस्तों, शिमला यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया, तो सीधा अपन अभी होटल में जाएगा, फिर देखते हैं कि मार रोड जाएं या वैली जाएं। पुलिस वाला पहले सोच रहा था मैं रोक लूं, फिर कहता नहीं नहीं जा, देखा गोप्रो लगा हुआ है। शिमला के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए राइड के मजे लेते हुए। दोस्तों जब आप आओगे शिमला तो आपको नीचे क्यों नहीं आना, इस रोड को ऊपर को आना है, जो पीछे चौक आएगा ना, चौक से बिल्कुल आगे आके ये रोड आ जाएगा पतली सी, सीमेंट की ऊपर को जाना है, तो बिल्कुल सीधा सीधा जाना अपने गुलमर्ग होटल आगे ही आएगा। तो आपको मैं रास्ता बता ही देता हूँ, गुलमर्ग होटल का पास में है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो जैसे हम ऊपर जाओगे, ऊपर जाते समय हमने लेफ्ट को घूमना है, आगे मैं आपको लेफ्ट दिखा देता हूँ, ये रहा जहाँ से गाड़ी निकली है, ये वाला लेफ्ट लेना हमने, मैं थोड़ा ऊपर से घुमाता हूँ भाई, ये देखो हमने लेफ्ट घुमा दिया, और बस जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो सामने गुलमर्ग होटल आ जाएगा, ये लिखा भी है होटल गुलमर्ग। ओके दोस्तों फिर रूम देखते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों हमारा जो शिमला का होटल है होटल गुलमर्ग, इस साइड से आपको आना पड़ेगा, मार रोड के पास ही है ये भी, और इनकी पार्किंग भी आपको दिखा देते हैं और इसकी एंट्री भी आपको दिखा देती है। ये जो स्टेज जाती है वो रिसेप्शन पे है, और ये सामने है जो ये इनका पार्किंग एरिया है, तो आप पार्किंग एरिया तो देख ही चुके हो, और अब हम चलते हैं इनकी रिसेप्शन की तरफ। तो बिल्कुल साथ में इनकी रिसेप्शन है, ये इनकी रिसेप्शन आ चुकी है, गुलमर्ग होटल का नाम है। तो आपको रूम का भी टूर देते हैं, ये हमारा रूम आ चुका है। थ्री बेड है ये, तो इसका प्राइस 1500 रुपये है। तो आप यहाँ पे आइए एंजॉय कीजिए, मार रोड के पास ही है ये। ओके दोस्तों ब्लॉग करते अभी बंद।